दरभंगा वासियों के साथ, मिथिलांचल वासियों के साथ घटी है। और जो आज दिल्ली के अंदर एक सरकार है जो बिहार के अंदर काम ही नहीं करना चाहती, बहुत दिनों से मैं समझता हूं कि 30-40 साल से दरभंगा वासी एम्स के लिए तरस रहे थे। दरभंगा एम्स निर्माण पर गर्म लगने के बाद सियासी पारा तेज। फातमी ने कहा, केंद्र की सरकार भेदभाव की कर रही है राजनीति। बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण पर ग्रहण लगते ही बिहार में सियासी गलियारों में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। एक समय जब भाजपा और जदयू एक साथ बिहार में सरकार चला रही थी, तब दोनों पार्टी इसे बड़ी उपलब्धि में गिनाते थे। लेकिन जब दोनों पार्टी का गठबंधन टूट गया तो दोनों पार्टी एक दूसरे पर तीखा प्रहार कर रही है। एक ओर जहां बीजेपी आरोप लगाती रही है कि दरभंगा एम्स के लिए बिहार सरकार सही जमीन मुहैया नहीं करा रही है, तो बिहार सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि केंद्र काम ही नहीं करना चाहती है। इसी बीच भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दरभंगा वासियों के साथ, मिथिलांचल वासियों के साथ घटी है। और जो आज दिल्ली के अंदर एक सरकार है जो बिहार के अंदर काम ही नहीं करना चाहती, बहुत दिनों से मैं समझता हूं कि 30-40 साल से दरभंगा वासी एम्स के लिए तरस रहे थे। पिछले दिनों नीतीश कुमार जी के मेहनत से वो दरभंगा के लिए जगह भी सेलेक्ट हुआ। पहले पीएमसीएच के अंदर, फिर वो जगह कई हयाघाट के अंदर एपीएम अशोक के आते में, फिर बाद में आप अंतिम सफर उसका शोभन लोकेशन दिया गया। अब तीन तीन जगह जमीन भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई और एक बहुत लंबे अरसे के बाद बहुत कल ही मेरे ख्याल से या आज एक पत्र आया है बिहार सरकार के पास कि वो जगह हमें नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सरकार बिहार को एम्स देना भी चाहती है या नहीं, क्योंकि अब तो उसके नियति पर शक हो रहा है। और शक नहीं, ये तो कंफर्म हो गया तो वो बिहार को एम्स नहीं देना चाहती। यानी जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं उसको वो मदद नहीं करना चाहती, उस राज्य के अंदर डेवलपमेंट नहीं चाहती। आप देख रहे हो एक तरफ सर्वशिक्षा अभियान या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मदद करती थी या यूजीसी, सब में मदद बंद हो गई है भारत सरकार। और ये एम्स न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।